हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, आज हम विष्णु केमिकल एलटीडी कंपनी के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें लाइक ओवरऑल पूरा एनालिसिस करेंगे। इसमें लाइक आपको मैं स्पेसिफिक टारगेट बताऊंगी एंड आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए भी आपको पता बताऊंगी। सो इसमें लाइक हम कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रॉज एंड कॉजेस, पीयर कंपैरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड कंपनी का साथ में लास्ट 5 ईयर का कंपनी का ग्राफ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब करते हैं, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरी वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम विष्णु केमिकल एलटीडी कंपनी के बारे में बात करें सो ये कंपनी 1989 में कंपनी स्टार्ट की गई थी। बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें सो ये केमिकल्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो ग्लोबल्स नेम अगर देखा जाए केमिकल्स में लाइक जो भी लाइक ऑटोमोबाइल्स हो गए, जो भी फार्मास्यूटिकल्स हो गए एंड स्टील एंड लेदर इंडस्ट्रीज हो गए, सो इसके लिए केमिकल्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर आप बेसिकली अगर प्रोडक्ट्स की बात करें हम, जो भी लाइक सोडियम होता है जैसे अगर देखा जाए तो जो मेडिसिन जो होती हैं उसमें जो केमिकल यूज़ किया जाता है उसके रिलेटेड कंपनी का ये केमिकल्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर देखा जाए सोडियम डाइक्रोमेट हो गया एंड बेसिक अगर जैसे कि बेसिक क्रोमियम सल्फेट हो गया, ये सारी चीज़ें की जो केमिकल्स का नेम बता रही इस ये सारी केमिकल्स की कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ऐसे बहुत से लाइक इसकी स्टील के रिलेटेड भी एक कंपनी एक एसिड प्रोवाइड करती है कि हो गया क्रोमिक एसिड का एक हर के नेम है, ये भी लाइक ये स्टील के रिलेटेड कंपनी एक केमिकल्स प्रोवाइड करती है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं एंड जैसे कि लाइक सोडियम सल्फेट हो गया, ये भी केमिकल कंपनी प्रोवाइड करती है, लाइक कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। सो ये था कंपनी का प्रोफाइल। अगर आपको लाइक कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आपको पता रहेगा तो आप इजीली समझ जाएंगे कंपनी का क्या काम करती है। जो भी लाइक स्टील्स हो गए या फिर लाइक स्टील जैसे कि हो गया एंड जैसे लाइक कुछ भी लाइक लेदर्स हो गए फिर मेडिसिन हो गए, उसमें जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं सो ये कंपनी क्या वो केमिकल्स प्रोवाइड करती है। बेसिकली ये था कंपनी का प्रोफाइल। कंपनी के डेटा के बारे में बात करें सो कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना दिया है, 1,917 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटल है। कंपनी के स्टॉक पी की बात की जाए तो 13.1 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 0% दिया हुआ है। कंपनी का डेप्ट देखकर 305 करोड़ से ऑलमोस्ट अगर देखा तो कंपनी ने अपना डेप्ट ईयर बाय ईयर डिक्रीज किया है, ऑलमोस्ट देखे तो कंपनी डेप्ट की कंपनी मानी जाएगी। कंपनी का इंडस्ट्री पी देखे 28.3 दिया हुआ है। सो इंडस्ट्री पी यहाँ पे कम है कंपेयर टू लाइक स्टॉक पी, सो यहाँ पे ओवर वैल्यूड है स्टॉक पी। यहाँ पे कंपनी का करंट प्राइस देखे तो इतना चल रहा है 1,604 रुपीज़ अभी चल रहा है। कंपनी का बुक वैल्यू देखे तो 188 है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो 13.4% दिया हुआ है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल देखे तो 11.1 करोड़ दिया हुआ है। यहाँ पे अगर कंपनी का हाई दे लो देखे तो कंपनी का हाई है 1,799 है एंड लो है 312। सो यहाँ पे अंदाजा लगा सकते अगर आप स्पेसिफिक टारगेट भी रखें तो आपको लाइक 1,600 एंड लाइक आपको 12 या 15 भी अगर आप रखोगे तो आप प्लीज फर्स्ट टारगेट आपके लिए बेटर रहेगा, ज़्यादा कोई टारगेट नहीं रखना है। कंपनी का अगर आप यहाँ पे डिविडेंड देखें तो कंपनी आपको डिविडेंड कितना 0.06% का आपको डिविडेंड प्रोवाइड करें जो कि बहुत ही कम है देखा जाए तो। फेस टू भी देखिए तो 10 रुपीज़ से प्रमोटिंग होल्डिंग देखें तो 75.0% दिया हुआ है। सो यहाँ पे लाइक ओवरऑल सारी चीज़ें देखें तो यहाँ पे सब चीज़ पॉजिटिव में रही है, ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं जो नेगेटिव में नहीं हुई है। ओके, सो ये था कंपनी का डेटा। कंपनी की प्रॉज एंड कॉजेस की बात की जाए तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट। यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट करती है जो बेसिक क्वार्टर जब रिजल्ट देंगे आपको अच्छे खासे देगी। एंड कॉजेस में बात की जाए तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 8.54 टाइम इट्स बुक वैल्यू, जो भी मैंने बोला कि ओवर वैल्यूड है। यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी लास्ट 5 ईयर में कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है कितना कम हुआ है, 7.70% कम हुआ है। कंपनी का लास्ट 3 ईयर्स में रिटर्न ऑन इक्विटी कितना कम आया, 11.78% जो कि कम आया है। यहाँ पे देखे तो प्रमोटर्स ने जिनके कंपनी के जो भी शेयर जो भी स्टेक है उसने वो स्टेक लाइक प्लेज पे दे दिया, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होता है। अगर कोई भी अगर किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स अगर प्लेज पे दे देते हैं तो उस कंपनी से आप दूरी रहेंगे तो ठीक रहता है। बट अगर हम कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अगर आपको रिस्क लेना है तो आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आप हाई रिस्क लोगे तो आपको हाई रिटर्न डेफिनेटली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर इधर कंपनी का प्रॉज एंड कॉजेस। पीएस कंपैरिजन की बात की जाए तो विष्णु केमिकल जो है लास्ट नंबर पे आ रही बिकॉज कंपनी का मार्केट कैपिटल कम है कंपेयर टू लाइक अदर कंपनीज। बाकी भी क्योंकि जो कंपनीज हैं उस कंपनी के भी करंट प्राइसेस भी देखे तो अच्छे खासे चल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ये देखें आरती इंडस्ट्री देखें यहाँ पे तो कंपनी का 887.95 रुपीज़ हमको शेयर मिल जाएगा।
पीवी देखिए 25.76 दिया हुआ है एंड आपको 0.25% आपको रोटेट डिविडेंड प्रोवाइड करेगी कंपनी के लिए। इस क्वार्टरली वाइज प्रॉफिट एंड सेल्स देखे रेवेन्यू देखे तो भी अच्छे खासे दिए हैं, तो आप उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड बाकी की भी जो कंपनीज हैं उसके देखिए करंट प्राइस ज़्यादा दिए हैं लाइक 2,000-3,000 के आप, सो अगर आपके पास उतना कैपिटल है तो आप उस पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट अगर विष्णु केमिकल्स की बात की जाए तो कंपनी के इसके भी लाइक क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे खासे आए हैं, मीन्स रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा है एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, सो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो तभी भी आपके लिए बेटर ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपके लिए बेटर नहीं रहेगा। ओके सो ये द पीयर कंपेरिजन। क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए कि सो अगर हम यहाँ पे लास्ट के 3 अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए, इवन हाल ही में जो लाइक अभी तो निकला नहीं क्वार्टरली रिजल्ट, बट अगर यहाँ पे देखा जाए जो भी लाइक जून है सितंबर दिसंबर यहाँ पे अगर लास्ट के 3 क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए तो यहाँ पे 197 करोड़ लाइक रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, जिन यहाँ पे 214 देन 298 का। सो रेवेन्यू ग्रोथ अगर देखें तो कंपनी का अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है। सो अगर कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ा इट मीन्स कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, एक्सपेंसेस कंपनी के बढ़े इट मीन्स कंपनी के ओपनिंग परसेंटेज भी बढ़ेंगे। ओपनिंग परसेंटेज आप देखते कितना दिया हुआ है लाइक जून में तक 40% था, देन सितंबर में 40% था, वापस कितना 15% हो गया है। इट मीन्स ओपनिंग परसेंटेज बढ़ा तो कंपनी के लाइक नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ा ही है। यहाँ पे अगर आप देखें लाइक नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखें तो जून में था 12 करोड़ था, देन 17 करोड़ सितंबर में, दिसंबर में 25 करोड़। तो इट मीन्स कंपनी का लाइक रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है। कंपनी का डेप्ट भी इतना ज़्यादा नहीं, कंपनी ने अपना डेप्ट भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस भी किया है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको डेफिनेटली आपको रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आप इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो। ओके सो ये तक क्वार्टरली रिजल्ट। प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं ईयर वाइज अगर आप देखें तो कंपनी के लिए अगर देखें यहाँ पे तो कंपनी का यहाँ पे जो रेवेन्यू ग्रोथ होता है अच्छा खासा आपको देखने मिल रहा है 2019 का 20 का 2021 का, प्लस एक्सपेंसेस भी आपको देखें तो एक्सपेंसेस भी कंपनी के यहाँ पे बढ़े हैं। बट यहाँ पे लाइक अगर आप देखें यहाँ पे अगर यहाँ क्या बोलते हैं ये मार्च 2019 का देखें एंड मार्च 2021 का देखें तो यहाँ कंपेयर टू दैट लाइक कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है यहाँ पे कम हुआ है। एंड यहाँ पे अगर आप कंपनी के लाइक एक्सपेंसेस देखें तो एक्सपेंसेस भी यहाँ पे कम हुए हैं। एंड यहाँ पे अगर आप ओपनिंग परसेंटेज कंपनी का देख लेते हैं इस जगह पे कंपनी का ओपनिंग परसेंटेज देखिए ईयर बाय ईयर थे यहाँ पे 30% था, देन 12% देन 12% यहाँ पे ओपनिंग परसेंटेज बढ़ा है। एंड यहाँ पे ओपनिंग परसेंटेज बढ़ा है इट मीन्स कंपनी का लाइक नेट प्रॉफिट भी बढ़ा ही है। सो यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे सो मार्च 2019 में कंपनी ने कितना रिटर्न्स दिया 24 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट हुआ था, देन मार्च 2020 में 22 करोड़ का, देन यहाँ पे मार्च 2021 में कितना 34 करोड़ का। सो बेसिकली देखिए तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे लाइक रेवेन्यू कम है बट कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही अच्छा खासा हुआ है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप इसमें 1 ईयर के लिए भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको कितना अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है इसमें। सो यहाँ कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट की बात की जाए तो कंपनी का शेयर कैपिटल यहाँ पे इंक्रीज एंड डिक्रीज आपको बहुत ही कम देखने मिल रहा है सितंबर 2021 में, जिस तरह से शेयर के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता शेयर्स के ऊपर, सो आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा। रिजर्व्स की बात की जाए तो कंपनी का रिजर्व जो है यहाँ पे इंक्रीज हुए, अगर आप देखें यहाँ पे बॉरविंग भी कंपनी की अगर आप देखें तो कंपनी के बॉरविंग भी इंक्रीज हुए हैं। कंपनी का CWIPP अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे कंपनी के तो ये भी इंक्रीज हुआ है जो कि लाइक पॉजिटिव में है। एंड यहाँ पे अगर आप कंपनी के इन्वेस्टमेंट प्लान देखें कंपनी के इन्वेस्टमेंट प्लान जो है सितंबर 2021 में कंपनी के बढ़ गए, इट मीन्स कंपनी के इन्वेस्टमेंट प्लान बढ़े इट मीन्स कंपनी को लाइक अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ होगा आने वाले टाइम में। सो आपको लाइक ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है अगर आप ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो। एंड बैलेंस शीट में आपको लाइक यही सारी चीज़ें हैं जो आपको लाइक एनालाइज करने आनी चाहिए। एंड यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, सो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें यहाँ पे कंपनी का लाइक कितना 75 जो सब प्रमोटिंग जो होल्डिंग है ओवरऑल सेम ही है सारे क्वार्टरली जो रिजल्ट्स में। FI शेयर होल्डिंग देखते तो अभी लाइक पूरा कम था बट यहाँ पे मार्च 2020 में हो गया 0.46% हो गया। DI शेयर होल्डिंग देखे तो ओवरऑल है स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत था बट यहाँ पे देखे तो पूरा ओवरऑल 0% हो गया। पब्लिक का शेयर होल्डिंग देखे तो पब्लिक का शेयर होल्डिंग यहाँ पे स्टार्टिंग में था 24.72% था बट यहाँ पे एंड ऑफ दी यहाँ पे देखे तो हो गया 24.54%। तो यहाँ पे देखे थोड़े बहुत यहाँ पे पॉइंट्स में चेंजेस आए बट पब्लिक शेयर होल्डिंग पूरा सेम ही है। सो ये था कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। नेक्स्ट है कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको दिखा सकती है यहाँ पे 2018-19-20-20-21 तो यही कंपनीज में लाइक रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी खासी हुई। बेसिकली देखा जाए तो 2019 में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ ज़्यादा हुआ था बट कंपनी का प्रॉफिट देखे तो कम हुआ कंपेयर टू लाइक 2020-21। सो यहाँ पे अगर आप कंटिन्यू देखें तो कंपनी के लाइक प्रॉफिट आपको अच्छे खासा आपको देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे 2021 का देखें 34.49 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है।
सो जिस लोग ने भी लाइक 1.5 ईयर के भी जिसने इन्वेस्टमेंट करके रखा भी होगा उसको अच्छा खासा उसको डेफिनेटली उसको रिटर्न मिला ही मिला होगा। सो ये कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड। यहाँ पे लास्ट 5 ईयर की ग्राफ की अगर बात की जाए यहाँ पे उन्होंने मार्क किया है 7 May 2021। सो उस टाइम पे भी जिसने लाइक इसमें इन्वेस्टमेंट किया रखा अभी कितना चल रहा है 329 रुपीज़ ऐसे चल रहा है ना, अभी के टाइम पे देखे तो 1600 समथिंग चल रहा है। सो लाइक अगर उसने अच्छा खासा क्वांटिटी में लिया रहेगा फॉर लॉन्ग टर्म करके उसने रखा रहेगा अभी के टाइम उसने सेल आउट किया भी रहेगा उसको डेफिनेटली अच्छा खासा रिटर्न प्लस डिविडेंड उसको मिला ही मिला रहेगा। सो अगर आप देखें तो कंपनी का एनालाइज कर सकते हैं, अगर कंपनी के परफॉर्मेंसेज देखें तो कितना अच्छा खासा बढ़ता ग्रोथ आप देख सकते कितना अच्छा खासा कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। सो हो सके तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिए एंड फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए रखोगे तभी चलेगा एंड फॉर द लाइक अगर आप 5-6 मंथ के लिए भी रखोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छी खासी आपको रिटर्न परसेंटेज आपको मिल ही जाएंगे कंपनी से। ओके सो आई थिंक सो जितने भी डाउट्स रिलेटेड लाइक विश्व केमिकल के रिलेटेड आई थिंक सो क्लियर आउट हो गए। सो गाइस थैंक यू सो मच कि आपने इन तक वीडियो देखा एंड गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के।